अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट वन बायोलॉजी चैप्टर नंबर वन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी को डिफरेंट लेवल्स पर पढ़ना इसे कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि स्मॉलेस्ट लेवल जो कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है, उससे लेकर लार्जेस्ट लेवल जो कि इंडिविजुअल लेवल है, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, यहां तक स्टडी करना इसे हम कहते हैं, इन लेवल्स को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम कहते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में जो केमिकल एक्टिविटीज कराते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ये ऐसा नहीं है कि अगर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो वो रिएक्शन करवा रहे हैं, बल्कि नहीं, टोटल जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो हैं 92, एंड आउट ऑफ दीज 92 केमिकल एलिमेंट्स ओनली 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स, जो हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन यानी कि बॉडी मास बनाते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स ओनली 16 आर कॉमनली यूज इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड विच फॉर्म द बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी का बॉडी मास बनाने वाले कितने हैं बायो एलिमेंट्स, वो 16 सिर्फ बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं और कुछ माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं। माइनर बायो एलिमेंट्स को हम ट्रेसेस या ट्रेस में एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम मेजर की बात करें, मेजर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं 99% ऑफ टोटल मास, अगर हम 100% की बात करें ना, मैं कहती हूँ 100% है ना, अगर हम बात करें 16 का जो 100% है वो ये बना रहे हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। आप इन्हें काउंट करें तो ये 99% बनता है। इनकी परसेंटेज बेटा, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है 65%, उसके बाद आती है कार्बन की 18%, हाइड्रोजन आती है 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%, ठीक है। ये क्या है, ये मेजर बायो एलिमेंट्स जो हैं हमारी बॉडी का 99% पार्ट बनाते हैं। इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, रिमेनिंग तो हुआ 1%, तो वो जो बाकी 1% है वो जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं बाकी वो बनाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी का पार्ट। बायो एलिमेंट्स जो माइनर हैं वो कितने हैं, वो है 1%, ठीक है। अब 1% में ये कौन कौन से बायो एलिमेंट्स आते हैं, माइक्रो जो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं वो हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, देन मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, ठीक है। ये सारे क्या है, ये माइनर में आते हैं। ये देखिए 0.35% 0.15% 0.15% 0.05% 0.004% और बाकी जो है कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयरन, ये क्या है, ये ट्रेस अमाउंट में है। अगर आप इसको भी काउंट करें तो कितना बनता है, 1%। अब ये जो सारे बायो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मतलब हैं और वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंपोजिशन जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें पार्ट रोल प्ले करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं नॉन लिविंग जो हैं ऑर्गेनिजम्स उनमें पाए जाने वाले एलिमेंट से, ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं कि ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो कि हमने बात की है, 6 मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट तरीकों से ऑर्गेनाइज होकर, डिफरेंट तरीकों से कंपोजिशन उनकी ऐसी होती है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक बनाते हैं, उसका प्रॉपर एक पार्ट बनाते हैं, कोई भी हम ये कह लेते हैं ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गेनल बनाते हैं, और ये जो है ये भी रोल प्ले करते हैं, चाहे उसकी अमाउंट इतनी सी ही हो पोटाशियम की, लेकिन किसी भी चीज का अगर बैलेंस जो है अमाउंट या परसेंटेज डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी में सीरियस डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिट होने में पोटाशियम आयन और सोडियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए अगर ये पोटाशियम आयन की जो है, पोटाशियम की जो परसेंटेज 0.35%, अगर ये डिस्टर्ब होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉडी है उसमें नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगा। हम ये बात करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो हम जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इसकी स्टडी करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि लाइफ का फिनोमिना क्या है, वो क्या करते हैं,
कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेते हैं, उसके डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया, जिसकी बेस पर फिर हम इजीली हर लेवल को पढ़ते हुए उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से शुरू करेंगे और फिर हम आगे जो है वो जाएंगे कम्युनिटी लेवल तक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो हम उसमें पढ़ेंगे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल।